अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो इस मुहर्रम के दिन में हम लोग मलीदा बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलीदा की रेसिपी। बहुत ही इजी होती है मलीदा बनाना, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मलीदा की पूरी रेसिपी। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया था, नॉर्मल आटा गूंद लेना है। नमक पानी देकर मैंने यहाँ पर सॉफ्ट आटा का डो बना लिया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आटा ज़्यादा टाइट नहीं सानना है, सॉफ्ट ही सानना है ताकि हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट बने, अच्छे से बने। तो इस तरीके से अब हम पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े हम जो बनाएंगे वो थोड़ा बड़े साइज़ का बनाएंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा साइज़ का पेड़ा तैयार कर लेना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दो पेड़े बना लिए हैं, अब इसे हम बेलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आटा यूज़ करूँगी, सूखा आटा से इसको लगाकर अच्छे से इसको बेल लेना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलेंगे लेकिन मीडियम साइज़ का बेलेंगे। थोड़ी मोटी ही रोटी बनाएंगे ताकि हमें इसे फिर पीसना भी है। तो इस तरीके से हम पहले बेल लेते हैं, एक मीडियम साइज़ का रोटी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रोटी तैयार कर लिया। अब इसके चारों तरफ हमें अच्छे से घी अप्लाई कर देना है। तो इसमें मैं चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसमें घी लगा लेती हूँ। घी लगाने से क्या होगा, इसमें खस्ता बहुत अच्छे बनेंगे। अब इस तरीके से चारों तरफ से इसे फोल्ड करके हमें इस अच्छे सा गोल सा पेड़ा बना लेना है। और अब इसे भी हमें बेल लेना है, एक मीडियम साइज़ का पराठा बना लेना। जैसे पराठा बनाते हैं, जितने मोटे पराठे बनते हैं उतना ही मोटा हमें बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी एक अच्छी सी रोटी बन चुकी है। अब तवा को यहाँ पे गरम कर लेते हैं। तवा के गरम होने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से सेकेंगे। तो एक साइड हल्का सा सेक जाने के बाद मैं दूसरे साइड से पलट देती हूँ। अब इसमें मैं चारों तरफ से घी लगा दूँगी ताकि हमारी रोटी जो है अच्छे से घी में पक जाए। तो बस दूसरे साइड पलट देते हैं और दूसरे साइड भी हम घी लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा दूसरे साइड भी मैंने यहाँ पे घी लगा लिया है। अब उसे मीडियम फ्लेम में ही मैं अच्छे तरीके से चारों तरफ से सेक रही हूँ ताकि हमारी रोटी अच्छे तरीके से चारों तरफ से पक जाए। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा पराठा तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दो पराठे तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं रोटी हमारी कितनी खस्ती और कितनी अच्छी बनी है। तो गरम गरम ही इस रोटी को अगर आप हाथों से मदद से तोड़ सकते हैं तो यहाँ पे तोड़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाथों से अच्छे से उसको तोड़ लिया है। अब इसे हम मिक्सर के ग्राइंडर में थोड़ा ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड में ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा पतला भी नहीं इसको ग्राइंड करिएगा, थोड़ा मोटे मोटे बरबरे से रहने चाहिए। अब यहाँ एक पैन में मैंने दो बड़े चम्मच के करीब घी डाला है। उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, काजू, ग्रेट किया हुआ नारियल, इन सबको अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ा फ्राई करना है। एक से दो मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा भी लाल नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो बस यहाँ पर हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम मलीदे में ऐड कर देते हैं, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दो तीन से चार बड़े चम्मच के करीब शक्कर लिए हैं, शुगर ऐड कर दीजिएगा। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिएगा, आपको कितना मीठा चाहिए। आप चाहे तो शक्कर को पीस सकते हैं, पीस के पाउडर भी डाल सकते हैं। पाउडर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे खड़े शक्कर इसलिए ऐड किए हैं ताकि हमारा मलीदा जो है गर्म है तो वो ऑटोमेटिक इसमें मिक्स हो जाएगा। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप शुगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े करके गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो बस इस तरीके से हमारा मलीदा तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे तो चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा मलीदा एकदम बनकर तैयार है। तो एक बार इस मुहर्रम आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।